रेत का कारोबार जिले में किस कदर हावी है, हम आपको इस खबर से बताने जा रहे हैं। दरअसल कटनी में विस्टा कंपनी का रेत का ठेका है और कटनी में रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। कटनी के रेत दूसरे जिलों में कटनी के मुताबिक सस्ती मिल रही है, तो वहीं कटनी की रेत कटनी में ही महंगी क्यों मिल रही है, ये सवाल बना हुआ है। कटनी की जनता से इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, ये समझ के परे है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश खनिज गाइडलाइन के मुताबिक एक जिले से दूसरे जिले में खनिज परिवहन किया जा सकता है, किंतु कटनी में सारे नियम कायदे ताक पर रखकर अपने रसूख के दाम पर अपने व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटनी जिले से लगे हुए उमरिया जिले की, जहां से रेत हाईवा में परिवहन होकर कटनी जिले में लाई जा रही है, जिसे विस्टा कंपनी के नाको से कंपनी के गुर्गो द्वारा आने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी प्रमुखता से समाचार पत्रों में खबर प्रकाशन भी की जा रही है। उसके बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक विस्टा कंपनी के गुर्गो की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है उमरिया जिले से आने वाले 22 चक्का ट्रेलर को विस्टा कंपनी के पाले हुए गुर्गो और लठेतो द्वारा महानदी विलायत कला बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोका गया, जिसको लेकर 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम और बड़वारा थाने में सूचना के बावजूद पुलिस का ना पहुंचना किसी बड़ी अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहा है। ये जितनी भी रेत की गाड़ियां हैं वह अंडर लोड और बकायदा टीपी लेकर आ रही है, जो नियम के अनुसार, उसके बावजूद इन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत डीजीपी से लेकर आईजी और एसपी तक की जा चुकी है, मगर उसके बावजूद इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये एक सवालिया निशान बना हुआ है। आखिरकार पुलिस को जांच करने का पूरा अधिकार है, मगर यहां नाके पर बैरियर लगाकर गाड़ियों को रोककर खड़ा कर विस्टा कंपनी के गुर्गे जांच कर खड़ा कर रहे हैं, और जब इन गाड़ियों की टीपी की अवधि समाप्त होती है तो उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। इस प्रक्रिया से जो गाड़ियां अंदर आ रही है वह अवैध हो जाती है, क्योंकि टीपी की अवधि समाप्त हो जाती है, जिसे इन गाड़ियों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ऐसा दोहरा मापदंड किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा रहा है, ये समझ के परे है, और अगर ये सब जिले की पुलिस ने जल्द से जल्द सही नहीं किया तो बड़ी घटना को होने से नहीं रोका जा सकता। आज हमारी गाड़ी थी RJ34GA2326 गाड़ी का नंबर है, गाड़ी को विस्टा कंपनी का रेत नाका है महानदी क्रॉस करते ही कटनी जिले में। उन्होंने हमारी गाड़ी को लगभग एक घंटे से रोक कर रखा हुआ है, लगभग 3:20 पर गाड़ी पहुंच गई थी। मेरी प्रशासन से अपील है कि हमारी गाड़ी को तुरंत कार्रवाई करते हुए छुड़वाया जाए। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।